राजधानी दिल्ली की सुविख्यात रामलीला कमेटियों में अग्रणी स्थान रखने वाली अशोक विहार रामलीला कमेटी के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली रामलीला के मंचन का उद्घाटन ढोल नगाड़ों व आतिशबाजी के बीच प्रमुख समाजसेवी सुरेंद्र पाल गुप्ता ने किया। इस अवसर पर सुरेंद्र पाल गुप्ता ने मंच से राम भक्तों को संबोधित करते हुए सभी को भगवान राम के बताए आदर्शों पर चलने की बात कही। इस साल के रामलीला का आयोजन अशोक विहार रामलीला कमेटी द्वारा पूरे धार्मिक तरीके से भव्य पैमाने पर किया जा रहा है। इसके लिए रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारी को बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस सफल रूप को आयोजित करके हमें धर्म लाभ प्राप्त करने का अवसर दिया है। रामलीला का यह 10 दिन तक चलने वाला मंचन हमें भगवान राम के जीवन के अनेक प्रेरणादायक प्रसंगों को दिखाएगा, जिसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में उतार कर जीवन को सफल बना सकते हैं। भगवान श्री राम ने जीवन के हर क्षेत्र में, हर रिश्ते में, चाहे वो राजा हो, पुत्र हो, पति का हो, भाई का हो, मित्र का हो, आदर्श मानदंड स्थापित किए हैं और आदर्श आचरण का पालन किया है। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। ये सब आदर्श आचरण अपना कर हम जीवन को सफल बना सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल भी हम सब रामलीला के इस भव्य आयोजन का आनंद लेंगे और भगवान श्री राम के आदर्शों और शिक्षों को अपने जीवन में अपनाएंगे, तभी हमें हमारा रामलीला आयोजित करने और देखने का उद्देश्य पूरा होगा। रामलीला मंचन के उद्घाटन के अवसर पर अशोक विहार की कई जानी मानी हस्तियों को आमंत्रित कर उनका भव्य रूप से स्वागत सत्कार किया गया। सबसे भव्य, सबसे पावन, सबसे पुरानी रामलीलाओं में से एक फेदवर अशोक प्यार की रामलीला दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं और मुझे लगता है कि अशोक प्यार की शायद ही कोई ऐसा ब्लॉक हो, शायद ही ऐसी कोई संस्था हो जो इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना जुड़ी हुई। तो मेरी भगवान राम से ये मांग है, मैं उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि जो लोग इसे देखने के लिए आए, जिस मंशा के साथ में आए, जिस सोच के साथ में आए, भगवान वो मनोकामना उनकी पूरी करें। और जो आयोजक है जो 4-5 महीने की लगातार मेहनत करते हैं, तो भगवान उनकी भी सबकी मनोकामना पूरी करें। वैसे तो इन लोगों के पास कोई कमी है नहीं, लेकिन भगवान अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आप सबको जय श्री राम। आज हमारी रामलीला का प्रथम दिन है और जब रामलीला का ये उत्सव शुरू होता है तो अपने मन के अंदर एक रोमांच पैदा होता है कि आज हम प्रभु श्री राम की रामलीला जो प्रतिवर्ष देखते हैं, लेकिन हर बार देखने का उसको मन करता है। इस प्रकार के जो संस्कार और हमें जो जिस प्रकार से हमारी रामलीला की चौपाइयों में हमें अपने मन के अंदर किस प्रकार से हम उसको ढाल लें और हम अपने आने वाले जीवन के लिए किस प्रकार से अपने समाज को आगे सुदृढ़ करें, आज इस सब भाव को देखते हुए
हम सब नमन करते हैं आपको और प्रतिवर्ष इस प्रकार से हम लोग इकट्ठे होकर ये मंचन देखते हैं। केवल एक बात कहकर आज मेरा मन बड़ा रोमांचित हुआ कि आज मैं साउथ दिल्ली जब मैं जा रहा था तो मुझे एक मेरे मित्र मिले, तो मैंने उनसे कहा कि मैं अशोक विहार में रहता हूँ, बहुत सालों के बाद मिले थे। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि अशोक विहार वही है जहाँ पर बड़ी सुंदर रामलीला का मंचन होता है, तो मेरे को बड़ा अपने आप में गर्व भी महसूस हुआ कि जब इस प्रकार से जब साउथ दिल्ली के अंदर भी लोग इस प्रकार से याद करते हैं तो ये केवल अगर इसका श्रेय जाता है तो हमारी सारी कार्यकारिणी को जाता है जो पिछले 6 महीने से रामलीला के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुभाव कि आप लोग इस प्रकार से काम करते हैं। प्रभु श्री राम आप सबकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करेगा और समाज भी इस प्रकार से उन्नति करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। अशोक विहार रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारियों को, सभी सहयोगों को मेरी ओर से जय श्री राम। आप सभी को शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह रामलीला पिछले कई वर्षों से होती है और इस रामलीला में जितना भी सहयोग हमारी तरफ से बनेगा हम करते हैं। आप सभी को पुनः भगवान राम के अवतरण की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। आज से पूरे देश में दिल्ली में रामलीला का मंचन शुरू हो रहा है, पूरा माहौल राममय बनता जा रहा है। उसी कड़ी में हमारे अशोक विहार फेज़ 1 में भी भव्य तरीके से आज रामलीला का उद्घाटन होगा, रामलीला की शुरुआत हुई है। और यहाँ की कार्यकारिणी बधाई की बात करें कि हर साल ये इसके स्वरूप को और बड़ा करते जाते हैं और भव्य तरीके से इसको कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा राम भक्त यहाँ पर आए, अपने परिवार के साथ आए, भगवान राम के चरित्र से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। उनके चरित्र का कुछ भी हमारे अंदर आ जाता है तो उसी में हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। फिर से पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ उनके भव्य आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। के साथ रामलीला का मंचन पिछले लगभग 50 वर्षों से करते आ रहे हैं। ये रामलीला के पीछे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक प्रयास, कितना बड़ा आयोजन होता है। उसके अंदर हमारे भाई अनिल गुप्ता जी वाले और नजीत जी और साथ में उनकी पूरी टीम इसका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। ये रामलीला का मंचन जो भव्य मंचन है आप समझ सकते हैं इसके अंदर हक की कितनी जरूरत होती है। और आज जो आपने उद्घाटन का कार्यक्रम देखा ये सभी हमारे जो कामदाता थे जिन्होंने छोड़कर अशोक रामलीला कमेटी को काम दिया, जिसके स्वरूप से हम ये इतना सुंदर मंचन अशोक रामलीला कमेटी का कर पा रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है कि रामलीला के गानों में किसी प्रकार की मादक वस्तु का सेवन ना करें। धूम्रपान यहाँ वर्जित है। अपने सामान की आप स्वयं रक्षा करें, आभूषण आदि ना पहन कराएं। यद्यपि हमारे पिछले 40-50 वर्षों के अंदर कभी कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई है, फिर भी सुरक्षा हमें अपनानी चाहिए। आज का जो मंचन है वो मंचन नारद लोक का है और उसके बाद रावण द्वारा किए गए अत्याचार भी दर्शाए जाएंगे। बड़ी भावुक रामलीला है। मैं इस सबके लिए जो है इस मेले में मैं बहुत आभारी हूँ। मैं इनके साथ मेरा कम से कम इतना ही 40 साल से जुड़ा हूँ और भी मैं प्रभु का इस रामलीला का वो स्वरूप बदलता ही जा रहा है और उसके लिए ये मैनेजमेंट बहुत बहुत जो है।